कर्म फल प्रदाता शनिदेव पिछले 12 फरवरी से 13 डिग्री में अस्त हो गए थे और अभी 17 मार्च को प्रातः ठीक 4:40 का वो समय होगा जिस समय पर 17 डिग्री में उदय हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री में होते हैं तो उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो अपने युवा अवस्था में होते हैं। इस हिसाब से क्या नींद में जागने के पश्चात शनि देवता अत्यधिक प्रभाव देंगे, क्या प्रभाव देंगे, आज इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हम सो करके उठते हैं या फिर एक छोटी सी झपकी लेकर के हमें जितना रिफ्रेश प्राप्त होता है वैसे ही अनुभूति शनि देवता को यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से संभव है कि एक बड़ा तूफान आ सकता है। वो तूफान या तो हमारे विपत्ति, हमारे परेशानी, हमारे संकटों को और अधिक बढ़ा जाए या फिर ये हो सकता है कि हमारे उन्हीं संकटों को ये उड़ा करके ले जाए। आज जानते हैं, समझते हैं कि कैसे इस शनि के प्रभाव को हम अपने जीवन में आत्मसात करके सफलता की श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक आपके तीसरे घर पर शनि देव विद्यमान हैं। धनु लगन धनु राशि के अनुसार जब ये तीसरे भाव पर उपस्थित होते हैं इसका मतलब यही हो गया, ये स्थान है संघर्षों का, ये स्थान है चैलेंजिंग सिचुएशनों का। अब यदि इस समय पर हमें बाधा परेशानी रुकावट आ भी रही हैं तो हमें विचलित नहीं होना है। शनि जिस भाव पर होते हैं वास्तव में हमारा कर्म उस भाव पर होता है, मतलब विधाता ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भाई अभी आपको चैलेंज स्वीकार करना है। यकीन मानिए, तीसरे भाव पर शनि का होना कई प्रकार की उपलब्धियों को प्रदान करता है क्योंकि इसके ठीक सामने भाग्य का स्थान होता है, अर्थात हमने जो प्रॉब्लम फेस कर लिया उस चुनौतियों को हमने पार कर लिया, नए नए जो अवसर आपको प्राप्त होते हैं, एक टास्क आपने पूरा किया नहीं कि दूसरा टास्क आपके सामने बना होता है, यही शनि का प्रभाव है। वास्तव में देखा जाए तो तीसरा घर हमारे उद्देश्यों की परिपूर्ति कराने वाला स्थान माना गया है। आपको भी एक उद्देश्य डिसाइड करना होगा कि मेरा एम क्या है, मैं मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं कितना संघर्ष कर सकता हूँ, कितना मेहनत कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना चाहिए, ये सब कुछ आपको शनि यहाँ पर प्रदान करेंगे, अर्थात आपके तीसरे भाव पर गोचरवश आए हुए हैं। पिछले 17 जनवरी 2023 से ये आपके तृतीय भाव पर हैं और अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार ये आगामी 1 साल तक ठीक आपके तीसरे भाव पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि पूरे 30 साल बाद शनि देवता का गोचर आपके थर्ड हाउस पर हो रहा है जो कि इनकी अपनी मूल त्रिकोण की राशि है। इस स्थिति में क्या वो आपके भाग्य को परिवर्तन नहीं करेंगे? इनकी सप्तम दृष्टि मित्रवत दृष्टि है, इसे आपको स्वतः विचार करना होगा। शनि के पास जो सबसे पहली दृष्टि है उसके अनुसार ये आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव मेरी बुद्धिमता का है, किसी न किसी मामले को लेकर के मन का अशांत हो जाना, शनि देवता ये फल प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक सोना तभी तक नहीं निखरता जब तक उसमें जलाया ना जाए उस सोने को, अर्थात हमारे जीवन में भी यदि तकलीफ और परेशानी बनी हुई है मतलब उस सोने को निखारने के लिए शनि देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत से लोग परीक्षा में पास हो चुके हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, लेकिन यदि कुछ लोग अभी भी बाकी रह गए हैं तो समझिए अभी तपना बाकी है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें तपना पड़ेगा और तब जाकर के शनि देवता हमें सोना बनाना चाहते हैं, हमें निखार लाना चाहते हैं और शायद इसी कारण से पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ी है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जहां मुझे सबसे ज़्यादा मैनेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, यही स्थान आपके बाल बच्चों का होता है। हमने अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, हमने अपने जीवन को तो जी लिया, लेकिन किसी प्रकार से यदि अपने संतान के लिए मैं कुछ कर पाता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ये विचार आपके अंदर कायम रखेगा, ये शनि देवता पिछले 2023 से अधिक प्रभावी बने हुए हैं। आप देख लीजिए, पंचम भाव ही वो स्थान हो गया जो आपको धार्मिक आस्थाओं से जोड़ देता है।
पंचम भाव का यदि प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक इस कुंडली में कोई जागृति नहीं आती, मतलब जागृत करने के लिए ही आप इस समय पर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कार्य में विलंब हो सकता है परेशानी हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्राप्त न हो। शनि देवता के बारे में आपने सुना होगा, ये देते हैं तो भी धीरे धीरे और लेते हैं तो भी धीरे धीरे। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा सब कुछ चला गया, और हमें यह भी पता नहीं चलता कि कहाँ से हमारा सब कुछ संपन्नता बन गया। राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य शनि देव के पास विद्यमान है। अब यदि कोई व्यक्ति ये समझे कि मुझे बिना कर्म करे सब कुछ प्राप्त हो पाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए शनि देवता को जोड़ा गया है मजदूरों से। जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ये सब शनि के अधीन होकर के आते हैं। अर्थात हमें भी उस मजदूर की भांति अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखते हुए आगे बढ़ना है। ये शनि देवता का ये शुभ प्रभाव है जो आपके पंचम दृष्टि पर है। एक उपाय के रूप में आप इसे कर सकते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, आपके बाल बच्चों का होता है, आपके एजुकेशन आपकी शिक्षा का होता है, वहाँ जुड़ करके आपको कार्य करना है। यदि आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं या एजुकेशन फील्ड में हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए, अपनी शिक्षा में और गहन अध्ययन कीजिए, ये बोला जा रहा है शनि देवता की जो दृष्टि है आपके पंचम भाव पर। इसके बाद जो शनि की सातवीं दृष्टि है उसको तो जरा देखिए। शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधे भाग्य भाव पर। सप्तम दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर जुनून होता है हमारे मन में कि वो मुझे प्राप्त करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे वो प्राप्त करना है, ये अभिलाषा मन में होती है। नवम भाव मेरे भाग्य की उन्नति का होता है। आपके मन में भी पिछले सवा साल डेढ़ साल से ये माहौल चल रहा है कि मुझे जो कुछ प्राप्त करना है अपनी उन्नति के लिए, कुछ भी हो जाए सारा प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बाधाएं आएंगी। ये शनि का नेचर है, शनि का दायित्व है कि बिना स्ट्रगल के बिना मेहनत के वो कुछ भी प्रदान नहीं करते। देव गुरु बृहस्पति तो भाग्य के कारक माने गए हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए भाग्य अपने आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ शनि देवता को प्रसन्न करना है तो, और सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह शनि देव हैं, इसलिए हमें कर्मों को जीना ही पड़ेगा, अपने उस कार्यकाल को चुकाना ही पड़ेगा जो किसी प्रारब्ध में या वर्तमान समय में हमने प्राप्त किया है। अब जब तक इसके विशेष प्रभाव को आप नहीं समझेंगे तब तक इससे कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नवम भाव की जागृति को विशेष तौर पर यही समझना चाहिए कि ये स्थान आपके पिताजी का स्थान है। यदि आपके पिताजी जीवित हैं तो ये समझिए आपके लिए वरदान है। शनि देवता वहाँ पर आपको कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, उनसे जुड़ करके उनकी मदद उनकी सेवा के रूप में आपको जो कुछ भी करते बने वो आपको करना है। यहाँ से भाग्य की जागृति होगी। नवम भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव ही मेरे धर्म से मुझे जोड़ता है। इस समय पर आप देख लीजिए अधिक धार्मिक, अधिक आस्थावान और अधिक धर्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ गई होगी। इसका प्रभाव कोई नॉर्मल नहीं है। आप जब नवम भाव को जागृत करते हैं अर्थात आपका भाग्य अपने आप प्रबल होता है, और यही शनि का एक सबसे सुफल और सबसे बेहतर प्रयास है जो आपके जीवन में आपको दिलाना चाहते हैं। समस्या आती हैं, लेकिन क्या उस समस्या से निरंतर हम बाधा से युक्त ही रहेंगे? राजा हरिश्चंद्र को देखिए। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में वो सम्राट हैं, वो राजा हैं, सब कुछ उनके पास मौजूद था, लेकिन जब शनि की दशा अंतरदशा उन पर प्रभावी हुई तब वही राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी को बेचना पड़ा, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और कई प्रकार की यातनाओं को उसने सहा। कहा है शास्त्रों ने, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिखी ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुबीर का,
अजब खेल रघुवीर का। एक पल में क्या हो जाएगा कोई व्यक्ति इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। यदि हमारी आस्था प्रबल है तो वही हरिश्चंद्र, आप देखेंगे उस वही हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है और पुनः एक बार फिर से पूरे इस भूमंडल का सम्राट बन करके सबके सामने उपस्थित होता है। और आज आदि अनादि काल तक भी उस हरिश्चंद्र की बात को आप और हम याद करते हैं। ये नवम जो भाव है वास्तव में ये हमारे धर्म की जागृति का स्थान है, एक ऐसे दान करने का स्थान है जहाँ पर आप धर्म के प्रति यदि सब कुछ हमारा लूट भी जाए तो ये समझिए मेरा अहो भाग्य है, क्योंकि इसी के पीछे पीछे मेरा सब कुछ मुझे वापस मिलेगा और जितना मेरा गया है कई गुना वापस दिलाने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव में है। शनि के पास जो दसवीं दृष्टि है ना वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव शनि स्वयं रूल करते हैं उस भाव को, उस भाव के कर्म के कारक माने गए हैं शनिदेव, और उस हिसाब से इनकी दृष्टि जब बारहवें भाव पर पड़ती है, बारहवां घर मेरे खर्चों का है, इतना नया नया खर्चा प्रदान हो जाता है। एक खर्च मैंने किया नहीं सामने फिर से कोई दूसरा खर्च सामने हो गया, एक हानि हुआ नहीं कि सामने फिर से कोई हानि हो गया, और इससे व्यक्ति व्यथित हो जा हो करके अपने काम को छोड़ करके एक जगह शांत बैठ जाता है। शनि बोलते हैं आपको वहाँ काम करने की आवश्यकता है, देखिए वो खर्च क्यों हो रहे हैं, सोचिए उस खर्च के कारण क्या है, क्यों हानियाँ हो रही हैं, क्यों हॉस्पिटल संबंधी चिकित्सालय संबंधी व्यय बने हुए हैं, बारहवां घर प्रभावी है। एक नए से नए टास्क का आपको प्रदान करते हैं शनिदेव, और उसमें जो व्यक्ति सफल हो गया, भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यदि हमें ग्रहों के द्वारा कोई शुभ या अशुभ परिणाम मिल रहे हैं उसे हम सिर्फ कर्म के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। एक मजिस्ट्रेट को, एक न्यायाधीश को क्या आप कोई रिश्वत दे सकते हैं, कभी नहीं, वो तो भाई एक साक्ष्य के आधार पर, एक सबूतों के आधार पर आपको फैसला सुनाते हैं। ठीक इसी प्रकार शनि देवता जो हमारे कर्म हैं, क्योंकि कर्म के दंड नायक है ना ये, उसके आधार पर ही हमें फैसला सुनाते हैं क्या इन्हें प्रदान करना है क्या इन्हें प्रदान नहीं करना है। यदि आप कर्मवान हैं, अपने कर्तव्यों को आप जी रहे हैं, तो निश्चय मानिए शनि देवता का कार्यकाल अभी पूरे के पूरे एक साल के अवधि की बची हुई है। इसी समय पर वो सब कुछ मुकाम दिला सकते हैं जिसके हम हकदार हैं और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। प्रयास आपका विफल नहीं जाएगा, ये शनि देवता का वादा है आपसे, क्योंकि जहाँ पर ये विराजमान है यहाँ से सीधे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, ये बारहवां घर है ना, बारहवां घर हमारा मेडिटेशन, हमारे ध्यान, हमारे दान का होता है। वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। बारहवां घर हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का होता है, इससे मेरे जीवन में या मेरे परिवार में न हो, इससे पहले जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो मरीज वहाँ पर हैं उनकी सेवा कर दीजिए, उनको कुछ फल वस्त्र या कुछ भी आपसे दान पुण्य करते बनता है वहाँ कर दीजिए, शनि को आप प्रसन्न कर लेंगे। ये सब उपाय होंगे इन शनि को अच्छा करने का। शनि हर उस स्थान पर मौजूद है जहाँ पर डिले होता है। यदि आपके लाइफ में इस टाइम पर डिले हो रहा है, किसी कारण से प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसका मतलब शनि प्रभावी है और विलंब के कारक है। 2.5 साल तक एक राशि पर गोचर करते हैं, इस कारण से इनके प्रभाव को हम समझ नहीं पाते। अंदर ही अंदर कोई कार्य चलते रहता है, हमें ऊपरी नज़र आता है और हम सोचते हैं हमारा कार्य कुछ भी नहीं बन पा रहा है, लेकिन यही शनि कब आपको सफलता के शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाएंगे आप अचंभित रह सकते हैं, इतने महान तेजस्वी होते हैं शनिदेव। साक्षात भगवान शिव शंकर ने ही इन्हें दंडाधिकारी का नियोक्ता बनाया हुआ है, अर्थात इनके पास वो साम्राज्य है जो किन्हीं ग्रहों के पास नहीं है, और इन्हें किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं। कोई शॉर्टकट तरीके से इस शनि को प्रसन्न नहीं किया जा सकता और न ही अपने काम को बनाया जा सकता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, लेकिन शनि देवता लंबी यात्रा के हैं, जो रास्ता सबसे लंबा होकर के जाए ना समझिए वो शनि है, और जब हम शॉर्टकट रास्ता यूज़ करते हैं समझिए कि हमने राहु को यूज़ किया है। लेकिन शॉर्टकट तरीका हमें सफलता तो दिला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अशांति का कारण भी बनेगा।
और वहीं पर दूर की यात्रा है, दूर जाना है, शनि को हमने यूज़ किया, हमारा कार्य भले विलंब से होगा लेकिन जो मंजिल हमें प्राप्त होगी वो चिरकाल तक जीवित रहेगी। और इसी कारण से शनि आपके 12वें घर को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कैसे इस शनि को बेहतर बनाया जा सके, कैसे इस शनि के उपाय को लिया जा सके। हमसे बहुत लोग उपाय पूछते हैं शनि के विषय में, हम एक ही बात बोलते हैं, सबसे अच्छा शनि देवता के लिए एक ही उपाय है, वो है हनुमान जी की आराधना। नाशय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र हैं इस कलयुग में, और वो चिरंजीवी हैं इस कलयुग में, हर कण कण पे उनका वास है। और जब भी व्यक्ति चाहे इस हनुमान जी महाराज की उपासना करके इस शनि देवता के दुष्प्रभाव से बच सकता है। एक बार शनि देवता के मन में ये अहंकार आ गया कि मैं सभी देवताओं को, दानवों को और मानव को प्रताड़ित कर सकता हूँ, और उन्होंने अपनी दृष्टि हनुमान जी महाराज पर डाल दी। हनुमान जी महाराज हो गए कुपित और शनिदेव को अपने पूछ पर लपेट करके तीनों लोक में घुमाने लगे, घसीटने लगे शनिदेव को। अब शनिदेवता का इस बीच में सारा अंग छिल गया। शनिदेवता चिल्लाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र के अवतारी हनुमान जी, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हनुमान जी महाराज छोड़ तो दिए, और तब शनि देवता ने कहा, हे हनुमान जी, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति यदि आपकी आराधना करता है, आपका स्तवन करता है, आपका सुमिरन करता है, उस व्यक्ति पर मैं कभी भी अपनी दृष्टियों का दुष्प्रभाव नहीं डालूँगा। साढ़े साती हो, अढ़ैया हो, पनौती हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा हो, उस दौरान भी उस व्यक्ति को सदैव विजय की प्राप्ति जरूर होगी। और तब से लेकर के आज तक हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम सब सुंदर कांड का पाठ करते हैं। सुंदर कांड में वो शक्ति है कि जहाँ पर इसकी पाठ की जाती है वो स्थान सुंदर ही सुंदर बन जाता है। इसलिए हर हिंदू परिवार में एक न कोई आप देखेंगे ही देखेंगे सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा तो बच्चे बच्चे को रटाया हुआ है। एक बार हम स्कूल में पूजा करा रहे थे, एक पूजा का कार्यक्रम था, हनुमान चालीसा हमने पाठ किया और सभी बच्चों से कहा कि क्या बच्चों आप सभी कर सकते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल अकलतरा की ये घटना है। विश्वास करेंगे जितने वहाँ बच्चे थे, करीब करीब 400-500 बच्चे, सभी बच्चे हनुमान चालीसा को पढ़ने लगे। हम स्वयं अचंभित हो गए। ये होता है बचपन से भक्ति प्रदान करना अपने बच्चों को, और यही हनुमान जी महाराज आपको सफलता दिला जाएंगे। दूसरे तरफ हनुमान जी महाराज ने भी शनि देवता को आशीर्वाद दिया कि शनिदेव तुम्हारा सारा अंग छील गया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो व्यक्ति तुम पर मलहम लगाएगा उसके कार्य सिद्ध होंगे। और इसी कारण से हम जाकर के पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन मलहम अर्थात तेल अर्पण करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वहाँ पर जाकर के कुछ देर व्यतीत करते हैं, अर्थात शनि देवता की कृपा तो मिल ही गई, साथ ही साथ हम अपने शीर्ष बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं, उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी हमने चाहा था। बहुत सफल होइए, बहुत तरक्की कीजिए, जीवन में आपकी जो भी बाधाएँ आ रही हैं भगवान हनुमान जी उन सब विपत्तियों का हरण करेंगे, ऐसी मंगल कामना आप सबको है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, धनु लग्न राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।